हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूक्लियर क्वाड्रपल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी दो इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूनिट हैं, जो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो आपके किसी न किसी सेमेस्टर में ये दोनों यूनिट आपको मिलेंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं पास्ट थ्री ईयर का, 2017, 2018 एंड 2019 का, कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम ये सिलेबस देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको किस प्रकार के टॉपिक्स कवर करने होते हैं। इसमें बेसिकली इसका रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा बेसिक प्रिंसिपल, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका एप्लीकेशन आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा जो हाइपरफाइन कपलिंग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना होता है, स्पिन पोलराइजेशन फॉर एटम्स एंड ट्रांजिशन मेटल आयन, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जी टेंसर्स कैसे निकालते हैं ये, एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर क्वाड्रपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्वाड्रपल न्यूक्लियाई, क्वाड्रपल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड गार्डियन, कपलिंग कॉन्स्टेंट, स्प्लिटिंग एप्लीकेशंस, ये देखना होगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन टॉपिक्स के अगर आपके सिलेबस में भी ये यूनिट है, ये टॉपिक्स है, इसका अगर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक चेक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको चेक कीजिए। आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये नोट्स बनाया गया है, जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। आई एम 100% श्योर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप कुछ टॉपिक्स के वीडियोज भी देख सकते हैं, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इन यूनिट्स का वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, तो सबसे पहले 2019 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सो बेसिकली ये जो है यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पेपर है, उसी का एनालिसिस किया गया है। इसके अलावा अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से भी एमएससी कर रहे हैं तो भी काफी हेल्पफुल होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखें 2019 में, तो वाई डू C12 एंड C16 न्यूक्लियाई नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन स्पिन्स एंड व्हाट इज क्वाड्रपल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, जितने भी सिलेबस हैं, सारे जो है क्वेश्चंस एंड सिलेबस जो है आपको पीडीएफ स्टोर, पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो वहां पे आपको कवर हो जाएगा। एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ऑफ एनक्यूआर न्यूक्लियर क्वाड्रपल रेजोनेंस का से रिलेटेड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, एंड डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इन ESR स्पेक्ट्रा। एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है प्रिंसिपल, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हमको प्रिंसिपल ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ESR स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, एंड डिस्कस करना है हमको इन इसके अलावा जो है इसको बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से आपको एक अटेंड करना होता है। सो इसमें से आपको डिस्कस करना है स्प्लिटिंग ऑफ NQR स्पेक्ट्रम एंड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ ESR स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल प्रोटोन H हाइड्रोजन का, जो है आपको यहां पे ESR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करना होगा। एंड यहां पे NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है नाइट्रोजन का आपको स्प्लिटिंग दिखाना पड़ेगा। एंड 2018 के क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइपरफाइन कपलिंग को डिफाइन करने के लिए पूछा गया है एंड व्हाट इज द सिलेक्शन रूल फॉर NQR। एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन में है व्हाई द इंटरप्रिटेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड रेयर अर्थ इज जनरली मूव डिफिकल्ट देन फ्री रेडिकल्स। एंड 2nd क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मिथाइलिन स्प्लिट फ्रॉम मिथाइल प्रोटॉन्स इन ESR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल ग्रुप। एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सप्लेन द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एंड मिथाइल रेडिकल यूजिंग ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ये 2 इंपॉर्टेंट है, बेसिकली प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन NQR एंड NQR न्यूक्लियर क्वाड्रपल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ESR, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप दोनों का ही प्रिपेयर कीजिए, अगर जब भी आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली आपके 5 मार्क्स में आ जाएगा। उसके बाद 2017 का क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द सोर्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन इन ESR स्पेक्ट्रम एंड क्वाड्रपल मूवमेंट को डिफाइन करना है, 2 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आप जो है देख सकते हैं आपके कितना आपको वहां पे बेसिकली अगर परसू यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक पेज में आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कवर करने होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं। एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियर, जो ये पूछा गया था 2019 में भी पूछा गया है इन NQR स्पेक्ट्रा, एंड डिस्कस शॉर्टली हाइपर फाइन स्प्लिटिंग इन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड यहाँ पे
जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा गया, तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, जो हाइपरफाइन कपलिंग होता है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, एक एग्जांपल देके जो है इसको हम लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एंड 5 मार्क्स में पूछा गया डिस्कस द थ्योरी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। एंड राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग। सो एप्लीकेशन ऑफ NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एप्लीकेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये जो है एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन पार्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एप्लीकेशन जो है वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है इसका, ESR का प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन सभी डिस्कस किया है। आप वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं सारे टॉपिक्स के। एंड तो ये था 2017-18 और 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल भी हुआ होगा। मैंने बेसिकली हर एक साल का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके क्वेश्चंस को अलग से जो है हर एक यूनिट वाइज मैंने लिखा है, तो मुझे लगा कि आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो जब सारे यूनिट्स का एक साथ होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है, जो क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं कि इस यूनिट से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से बेसिकली 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको जो है इस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स चाहिए, एंड इसके अगर आपको इस सिलेबस के नोट्स चाहिए, तो आप PDF ले सकते हैं। इसमें आप PDF ले सकते हैं एंड वीडियोज देख सकते हैं, इससे आपका इस यूनिट का तो प्रिपरेशन डेफिनेटली अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा आपको दूसरे वीडियोज देखने के लिए या दूसरे नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। आई एम 100% श्योर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं PDF स्टोर, आपको MSc लेवल के सारे हैंडमेड नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।